वो शबाज गंजे हैं, बस लूट के खा रहे हैं पाकिस्तान के मुल्क को। कंडा लाया वो नहीं कंडा, लोगों का वजन कर रहे हैं। हाँ जी, बंदे को जहाँ भी देखे ना भी तंग करे, फेंटा लगाएंगे कि जी इसकी जो ग्रोथ है ना इसी बुनियाद पे हो रही है जी, कि पाकिस्तान को तंग करना। आखिर क्या करते हैं आप? तंग पढ़ता हूँ। नहीं, मैं वैसे वाजा चलाने आया हूँ, वाजा पुलिस वालों ने पकड़ लिया इसलिए। तो ये देखो इसके पास है, जरा पकड़ के बजाओ। नहीं, मेरे पास है पॉकेट में, बजाओ फिर। बजाने से क्या फील होता है? बजाने से फील होता है फूका अंदर से जाता तो चास आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, आप देख रहे हैं बीबीसी न्यूज़, और बीबीसी न्यूज़ की तरफ से पाकिस्तान की 75 डायमंड गोल्डन जुबली हमारे तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा शादोमान ता कियामत रखे। और आज हम मौजूद हैं जी बादशाही मस्जिद में, और देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी के मौका पर यहाँ पर बहुत सी आवाम आई है विज़िट करने के लिए, जश्न आज़ादी को इंजॉय करने के लिए। तो यहाँ से आए हुए आवाम से हम जी करेंगे कुछ बातें और लेंगे जी पाकिस्तान के हवाले से उनके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। क्या करते हैं आप? स्टडी। आज कौन सा डे है? आज 14 अगस्त है। तो क्या एक्सप्रेशन रखते हैं पाकिस्तान के बारे में? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर। अभी बड़ा होना है? हाँ अभी बड़ा और होना है। हाँ और ना। अच्छा जी, डॉक्टर बनना है जी। डॉक्टर बन के क्या करेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे या बड़ों की तरह बाहर? नहीं, पाकिस्तान में रहूँगा। पाकिस्तान में रहेंगे जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर शहजाद है। कहाँ से आए हैं? मैं वापडा टाउन से आया हूँ यहाँ पे, मतलब कि लाहौर के रहाशी हैं। जी सर। इंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं जी। काम क्या करते हैं? काम मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए जी, मैं तो पहले तो कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए जो है ना, जिंदाबाद पाकिस्तान के लिए जो है ना। अगर पाकिस्तान पे कभी मुश्किल वक्त आता है, बाहर भागेंगे या इसके लिए कुर्बानी देंगे? नहीं, इंशाल्लाह कुर्बानी देंगे, कुर्बानी देंगे जी। बहुत अच्छा माइंड है जी, बहुत अच्छा माइंड सेट होना चाहिए जी। जैसे कि पाकिस्तान जिस हालत में जा रहा है, उसके बावजूद नौजवानों के यहाँ पे जी जज्बा यही देखने को आया जी, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को छोड़ के नहीं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे, अपनी जानों का नजराना भी देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ से आए आप? बुरेवाला से। बुरेवाला से जी। तो आज 14 कैचर एंजॉय करने के लिए आए हैं जी? बिल्कुल। फर्स्ट टाइम आए या पहले भी आए? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। पाकिस्तान के बारे में क्या जज्बा रखते हैं आप? पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसकी तरक्की का नियामक है, दुआ दो है। पाकिस्तान आज के दौर में जितना सुस्त रफ्तार जा रहा है, क्या करना चाहिए नौजवानों को? जहरी बात है, आने वाली बागडोर आप लोगों ने संभालनी है। इस मुल्क के लिए हम जवानों ने ही अब कोई स्टैंड देना है, और अच्छी हुकूमत बनाएंगे तो फिर ये मुल्क कामयाब होगा। कुछ यूथ जो है वो आज ग्रेजुएट करने के बाद, एक अच्छी तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? इधर तो वो जॉबलेस हो जाते हैं, इसलिए तो हुकूमत को भी इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में स्टडी के लिए कुछ ख़ास इकदाम, ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे, कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं ऐसी हैं जो कि, कुछ लोग तो हैं पाकिस्तान के बाहर जाते हैं तालीम हासिल करके पाकिस्तान की आके खिदमत करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में तालीम के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एक काबिल उस्ताजा का अगर इंतज़ाम हो तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, इधर स्टूडेंट एजुकेशन तो हासिल करते हैं बट उनको जॉब नहीं मिलती, तो फिर उनको मजबूरन उधर जाके बाहर जाना पड़ता है, मजदूरी वगैरह करते हैं फिर जा। आप क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं तो मेडिकल का काम कर रहा हूँ। स्टडी छोड़ दी जी? मैंने स्टडी छोड़ी। क्या स्टडी आपकी? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जी। जी, आपका जज्बा अच्छा है जी, जी ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आगे स्टडी जारी नहीं रखी, लेकिन फिर भी जितनी भी स्टडी यहाँ पे की है वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अली रजा। क्या करते हैं आप? स्कूल पढ़ता हूँ। कहाँ के रहने वाले?
इकबाल टाउन, लाहौर के रहने वाले जी। तो यहाँ क्या करने आए? भड़ों ने आपकी ऐसे तरबियत की हुई, भड़े ऐसे तरबियत दिखाते हैं आपको? नहीं, मैं वैसे वाजा चलाने आया हूँ, वाजा पुलिस वालों ने पकड़ लिया इसलिए। तो ये देखो इसके पास है, जरा पकड़ के बजाओ। नहीं, मेरे पास है पॉकेट में, बजाओ फिर। ये करने के लिए नहीं। तो पाकिस्तान के हवाले से, 14 अगस्त है, पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देंगे? जो आपके पास आसपास लड़के खड़े हुए हैं, नौजवान खड़े हुए हैं, आने वाली बागडोर पाकिस्तान की आप लोगों ने संभाल ली, क्या पैगाम देंगे आप? मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि कोई फैमिली को तंग ना करें और ये वाजा मायना बंद करें। पुलिस वाले भी इधर काफ़ी हैं, ऐसे डंडे पड़ेंगे उनसे। कभी पड़े आपको? नहीं, मुझे तो नहीं पड़े कभी। और किसी को पड़े आपके सामने? मेरे दोस्त को पड़े हैं। किस वजह से? ये वाजे बजा रहा था और पुलिस वाले ने इसको पकड़ के दो डंडे मारे हैं। इधर अब भाग गया, ये पास खड़ा हुआ है। इधर आओ, किसको पड़े हैं? इधर आइए आप, है आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। क्या देखते हैं मोबाइल? चूंडी लगा इस बंदे को जी, पुलिस वालों ने मारा है, बाजा बजा रहा था तो इस वजह से बात नहीं कर रहा, भाग गया ये। बाजा पकड़ लिया, लेकिन काफी लड़के हैं जो बाजा लेकर आए हैं, ये देखें पीछे भी आवाजें आ रही हैं। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में जो चीज बनती है ना, जाहिर बात है वो यूज करने के लिए बनाया जाता है। ये आज आजादी का दिन है तो मुझे नहीं लगता कि क्या सोचता होगा, मैंने किस कौम को आजादी दे दी है। तो आप तो शाहीन हो, शाहीन हो किसके? लामा इकबाल के शाहीन हो? लामा इकबाल के शाहीन है, उसके शायर शायरी भी पढ़ते हैं, काफ़ी बुक्स में आती हैं और वैसे इंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ सुन के भी। और बजाने से क्या फील होता है? बजाने से फील होता है फूका अंदर से जाता तो चस आती है। अच्छा, अरे गल हो रही यार जान जी। कि क्या नाम है आपका? अली हसन। कहाँ से आए? पेकेवाल पिंड। कहाँ से आए हो जी? अच्छा लग रहा है ये शायरी, पहली दफ़ा आए हो? नहीं, मैं काफ़ी बार आए। हर बार यहीं पे आते हैं या कहीं और भी? हमारा काम ही है ये। क्या नाम है आपका? जफरुल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। कहाँ से आए आप? क्वेटा से। क्वेटा से? जी हाँ। यहाँ पर रहायश पज़ीर है या वैसे सैर करने के लिए? ऐसे तफरी के लिए आए। आज आए हैं? क्वेटा से। क्वेटा से आए? जी हाँ। नहीं, आज ही आए हैं? आज आए। कैसा लग रहा है आपको ये माहौल? फर्स्ट क्लास। मौसम भी अच्छा हो गया? मौसम भी अच्छा है, फर्स्ट क्लास। आप किस से बिलोंग करते हैं? बलोच। हम बलोच है जी। अच्छा, अकेले आए या साथ को आए? साथी भी आए। साथ भी आए। क्या नाम है आपका? शेर अहमद। क्या? शेर अहमद। क्या कहते हैं आप? हम ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं जी। कितने लोग आए हैं आपके यहाँ? 6 बंदे आए हैं। लाहौर पसंद है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी दफ़ा आ चुके हैं लाहौर? बहुत दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी सैर नहीं की है। इतनी बड़ी नहीं की? फर्स्ट टाइम कह रहे हैं जी? जी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान कैसा लगता है आपको? जारी बात है ड्राइवर है, घुमा होगा पूरा पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मुल्क है हमारा पाकिस्तान। प्यारा मुल्क है। कभी कोई आपके साथ हादसा तो नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉड तो नहीं किया? ड्राइवरों के साथ अक्सर फ्रॉड हो जाते हैं। हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए हैं। जी पाकिस्तान के लिए एक नारा लगा दें। नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? अजहर हुसैन। कहाँ से आए आप? दादो हुसैन 7 से। लाहौर कैसा लगा? लाहौर अच्छा लगा है। अच्छा लगा है। फर्स्ट टाइम आए? हाँ फर्स्ट टाइम पे आया हूँ। अकेले या फैमिली साथ आए? अकेले आया हूँ। अकेले आए हैं? हाँ। तो यहाँ पे आके अब तो सुबह से बहुत गर्मी थी, अब मौसम भी अच्छा है। जश्न आज़ादी के हवाले से अपने पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहेंगे? अगर पाकिस्तान पे कभी मुश्किल वक्त आता है तो अपनी जान तक बच्चे तक कुर्बान करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और पहली सिप में होंगे हम। पहली सिप में होंगे? हाँ। अच्छा जी, जितने भी नौजवान यंग यूथ खड़ी है यहाँ पे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम इनको कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए उठ के खड़ा हों और पाकिस्तान के लिए मेहनत करें और पाकिस्तान का नाम मुल्क दुनिया भर में रोशन करें, और पाकिस्तान जो है हमारा आज़ाद मुल्क है
और जिसका मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पे हमारी जान भी कुर्बान है इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान और अल्लाह ताला हमेशा ताकियामत शादोमान आबाद। क्या नाम है आपका? आकिब। क्या करते हैं आप? तंग पढ़ता हूँ। तंग करते हैं? अब सबसे पहले आप आओ, क्या काम है? तंग आपको तंग करता है? हाँ जी। क्या तंग करता है? छेड़ता मुझे। छेड़ता है? अब ये बताए पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? तंग करना चाहते हैं हम। तंग करना चाहते हैं? देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं आप? कोई बात नहीं, इस बंदे को जहाँ भी देखे ना भी तंग करे, फेंटा लगाएंगे। कहते जी इसकी जो ग्रोथ है ना इसी बुनियाद पे हो रही है जी, कि पाकिस्तान को तंग करना चाहते हैं। कहाँ से आया? गुजरांवाला से। यहाँ गुजरांवाला से फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी? पहले भी आते रहे हैं। 14 अगस्त मनाने के लिए आए? जी। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। जो भाग के गए हैं उन्हीं की तरह बात करेंगे या पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा? पाकिस्तान के लिए करेंगे अच्छा इंशाल्लाह। क्या करना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ और अल्लाह के अल्लाह चाहे तो जरूर पाकिस्तान के लिए। जरूर जरूर। स्टडी क्या कर रहे हैं आप? स्टडी मैं कर रहा हूँ साइंस के साथ, सेकेंड ईयर की पेपर दिए अभी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहा हूँ। तो अकेले आए हैं या साथ फ्रेंड्स? साथ में फ्रेंड्स आएंगे। क्या नाम है आपका? मिसबाह। अभी वहाँ से आए? जी गुजरांवाला से आए। स्टडी कर रहे हैं? नहीं नहीं स्टडी नहीं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये फैक्ट्री में होते हैं जी। काम बहुत बड़ी नहीं, मतलब वैसे भी इंसान काम करता रहे तो आगे की जिंदगी चलती है जी। वाकई मैरिड है आप? जी मैरिड? नहीं मैरिड नहीं है। अच्छा जी। पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का आज दिन है, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ताकियामत जिंदा रखे। कुछ जज्बा क्या है आप? जज्बा यही है अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज जो आपको बुरी लगती है? कोई ऐसी चीज नहीं, पाकिस्तान तो है ही बहुत अच्छा। आ जाए आगे आप। क्या बुरा लगता है आपको? वो शबाश गंजे हैं, बस लूट के खा रहे हैं पाकिस्तान के मुल्क को। और दोनों भाई बाहर चले जाते हैं, लंदन में उनका होता है क्या ट्रीटमेंट है, हमारे गरीबों आवाम का टैक्स जो होता है चोरी करके उधर ले जाते हैं। आप खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं जी? आपको लगता है कि खान साहब आएंगे दोबारा? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। रात के जलसे में गए थे आप? यस। अच्छा, काफी अच्छा हजूम था, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, बहुत। वो हमारा कैद है, इंशाल्लाह हम उनको वोट देंगे, हमारी जान भी उन पर हाजिर है। वो हमारे मुल्क की खातर लड़ रहा है, वो अकेला वो अपने बच्चों को छोड़ के हमारे मुल्क की खातर इधर रुका हुआ है। आप क्या करते करते क्या? मेरा पेट्रोल पंप है PSO का। तो इतना महंगा पेट्रोल हो गया, क्यों पेट्रोल महंगा किया? तो वो किसने किया? ये गंजों ने किया है। ओए चलो, कुछ लोग होते हैं जी कि वो कहते हैं जी इमरान खान ने पेट्रोल महंगा किया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? कंडा लाया वजनी कंडा। लोगों का वजन कर रहे हैं? हाँ जी। कितने लोग सुबह से वजन करवा चुके हैं? जिन्हें आदमियाँ कर दवे उन्हें हो जाते हैं। एक बंदे का वजन करने का क्या ले रहे हैं? 10 रुपए। 10 रुपए? तो ये काम नहीं है? काम कर लेने हैं, कितने का कट कर लिए उन्हें को कर लेना। आप गुजारा हो जाता है इनसे? आदमियाँ कर देना गुजारा। ये बच्चे हैं आपके? सारा कुछ है घरदारी, मेहरबानी ना। तो फिर बच्चे क्या करते हैं? आप यहाँ गर्मी में ऐसे ये काम कर रहे हैं, क्यों बच्चे कहाँ होते हैं? हम मजबूरी है, थानू दसी है कि थानू पता लग जाएगा जी। जो तुम इस उम्र आओगे ना साड़ी से, फिर थानू सारा ही पता लग जाएगा भी किदा गुजारा होंगे, किदा बच्चे पाली दे, किदा करके तरी दा। बच्चे सब शादीशुदा हैं? हाँ जी। अल्लाह आपको सेहत दे और इंशाल्लाह तरह जब भी इंसान को जिंदा रखे उसके हाथ पांव यहाँ तक सलामत रखे जी, वो बढ़ते दम तक को माता रहे। हाँ जी, कुछ लोगों को अक्सर देखा है जी हाथ पांव उनके बिल्कुल सलामत होते हैं, लेकिन फिर भी वो भीख का कटोरा लेके सड़कों पे मांग रहे होते हैं, गाड़ियों में मांग रहे होते हैं, लेकिन ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं इसलिए उन्हें हिम्मत हौसला नहीं आ रहा है, जैसा भी काम है अपना कमा के खा रहे हैं। जी पढ़े हुए हैं? पढ़े से उर्दू आए? क्या भाई? पढ़े से उर्दू आए। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये यहाँ चक्कर पे आया है। 14 अगस्त मनाने के लिए आए जी? 14 अगस्त मनाने के लिए? हाँ, 14 अगस्त मनाने के लिए। पाकिस्तान अच्छा लगता है? छोड़ यार, पाकिस्तान अच्छा लगता है? हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
थोड़ा सा पीछे होते आज रश है इतना ज्यादा तो इसलिए शापर दे रहे हैं। आगे पीछे तो शापर नहीं होता, आगे पीछे लोग रख के जाते हैं साइडों पे। ये मतलब कि आगे पीछे यहीं पे होते हैं आनो टीम अंदर लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आगे पीछे तो रख के जाते हैं। ये होता है देखा कि आपने जी